वहीं रुड़की में एक छात्रा इसलिए परेशान है क्योंकि हेडमास्टर ने उसकी टीसी पर लाल पेन से लिख दिया, जिससे छात्रा को अगली क्लास में दाखिला नहीं मिल रहा है। मामला इतना बढ़ गया कि अब इसमें विधायक को भी कूदना पड़ा है। रिपोर्ट देखिए। रुड़की के मंगलौर की रहने वाली इस लड़की का परिवार परेशान है। दसवीं पास करने के बाद अगली क्लास में एडमिशन नहीं मिल रहा है। दरअसल टीसी में स्कूल की तरफ से स्टूडेंट के आचरण को लेकर कमेंट लिखे जाते हैं। इस कॉलम में स्कूल के हेडमास्टर ने लिखा है कि छात्रा का आचरण हेडमास्टर के लिए ठीक नहीं रहा है। स्कूल में राजनीति करना, हेडमास्टर के साथ बदसलूकी और अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करना, विभागीय आदेशों का पालन नहीं करना, इसके साथ ही हेडमास्टर साहिबा ने सबसे आखिर में लिखा है कि लड़की में विद्यार्थी होने का एक भी गुण नहीं है। मैंने मानव चौक राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से मानव चौक से 10th क्लास पास की है और हम वहाँ पे मैम से टीसी लेने के लिए गए तो उन्होंने हमारी टीसी पे कुछ अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग किया है और आगे हमें एडमिशन लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सर, मेरी साथ में 4 लड़कियाँ और हैं। जो हम यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए गए तो उन्होंने हमें बोला कि ये वाली टीसी नहीं चलेगी, तो हम यहाँ मैम से प्रिंसिपल मैम से बोला, मैम हमें टीसी में आपने ऐसे कैसे लिखा है, तो उन्होंने हमारी टीसी में अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग किया है, रेड पेन का बहुत यूज़ किया है। सर, हमें आगे एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। टीसी के ऊपर ये सब रेड पेन से लिखा गया, इसलिए मामला और गंभीर हो गया। इस बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जब पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि छात्रा और हेडमास्टर के बीच कोई विवाद चल रहा है। 4 बालिकाएं मेरे यहाँ कार्यालय में आई थी, मेरे पे उन्होंने बोला, उन्हें टीसियाँ दिखाई थी कि संबंधित प्रधानाध्यापिका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानक चौक द्वारा उनके चरित्र में कुछ रेड पेन से अंकित किया गया है, जिसमें उनको विरोध था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। तो इस संबंध में हमारे द्वारा एक पत्र द्वारा उन प्रधानाध्यापिका का स्पष्टीकरण लिया गया है। तो दोनों पक्षों को मैंने सोमवार को जो है विद्यालय में बुलाया 11 बजे, और मैं विद्यालय में जाकर स्थलीय रूप से दोनों पक्षों को सुनूंगा। मामला इतना बढ़ गया है कि स्थानीय विधायक ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है। मैडम से भी बात करी थी, मैंने कहा मैडम ये बताओ कि ये बच्चियाँ जो हैं 5, 15, 12, 13 साल की, जो आपने रेड पेन से इस पर लिखा है, तो बताने का कष्ट करें कि ये किन किन मामलों में इन्वॉल्व हैं, किन राजनीति से प्रभावित है। वो कह रही है कि उस पर लिखा हुआ है कि राजनीति करती हैं जो है इस लायक नहीं है कि इन्हें पढ़ाया जा सके। तो मैंने कहा ये बताए कहाँ राजनीति कर रही हैं। छात्रा का परिवार परेशान है, उसे दूसरे स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि अगर हेडमास्टर को छात्रा के आचरण को लेकर कोई शिकायत थी तो फिर उसे शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं बताया गया। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।